तो मरते समय सावधान, सबसे चित्त हटाओ। इसलिए कहता हूं तेरा तेरा मेरा मेरा छोड़ो, तेरा तेरा स्टार्ट। और चित्त सबसे हट जाए, मरने के पहले एकाग्रता आ जाए, विंदास मरो। हमारे यहाँ मौत में भी ढोल बजते हैं, क्यों? जब सब यात्रा निकलती है तो आगे आगे बैंड बजते कि नहीं, बाजा? आपके यहाँ ये परंपरा है कि नहीं? हाँ या ना? हमारे गांव में भी और वृंदावन यहाँ भी ये परंपरा है कि अर्थी के आगे आगे ढोल नगाड़े बैंड बैंड जाते हैं, बाजे बजते हुए शव यात्रा जाती है, कहीं देखा तो होगा। हाँ, ये बाजे है ना, क्यों बजते हैं बाजे? बोलो, मरने वाले व्यक्ति के आगे आगे बाजा क्यों बजते हैं? उत्तर दो, क्यों? आपके यहां ये परंपरा है या नहीं? है ना, मुर्दे के आगे आगे बाजा बजते जाते हैं, क्यों बजते हैं बताओ? इसलिए बाजे बजाए जाते हैं, इसलिए बाजे बजाए जाते हैं क्योंकि हम सनातनी मृत्यु को भी उत्सव मनाते हैं। अरे, मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु भी क्या है? बोलो, एक उत्सव है। इसलिए हमारे यहां मरने पर भी बाजे बजते हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। हम मृत्यु को उत्सव मनाते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु का अर्थ क्या है? अपने जीवन से मुक्त हो गया या हो गई, भगवान में लीन हो जाना ही मृत्यु है। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाकर भगवान में लीन हो जाओगे तो फिर बेटा तुम्हारे नाम का कोई पुण्य करे ना करे, तुम अपने पुण्य से ही मोक्ष को पालोगे, तुम अपने ही पुण्य से भगवान को पाओगे। अच्छे जगह मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। हमारे यहां मरना भी एक कबीरदास जी दोहा गा रहे हैं, कबीरदास जी के दोहा कह रहे हैं, अर्थ बताना आप, हम दोहा पढ़ रहे हैं, आप अर्थ करना। कबीर जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा पर मेरे मन आनंद, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूरन परमानंद। क्या मतलब हुआ? मरने से सारी दुनिया डरती है पर कबीर जी कहते हैं मेरे मन आनंद है, क्यों? क्योंकि ये मृत्यु ही तो है जो ईश्वर से मिलाती है। पूर्ण रूप से मिलन तो तभी होगा, तो आपको खुशी होनी चाहिए, चलो बहुत मिल लिया जगत से, अब तो जगन्नाथ से मिलने की घड़ी आ गई है। वो जिसे तुम मृत्यु कहते हो ना, वो मिलने की घड़ी है भगवान से, लेकिन तुम भगवान से मिलने के लिए लालायत तो होके मरो तो मिलना भी हो, पर तुम मिलना किससे चाहते हो मरते समय? बेटे से मिला दो, हमारे पोते से मिला दो, हमारे बलाने से मिला दो, ऐसे आप तड़पते हो। अभी जी भर के मिल लेना बेटा बेटी पोता पोती से, मरते समय तो बस एक ही कामना रह जाए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सही है? आप लोग किससे मिलना चाहते हो मरते समय? उनसे मिलाओ,
बेटी आती रोती रोती पहचानो हमें, रे राम राम। जब आप मरने लगते हो ना, लोग रोते रोते आते हैं, कोई रेलवे स्टेशन से, कोई बस स्टैंड से, और कोई द्वार पे आके है चालू होता है ना, और लोग रोते हैं और रो रो के आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो। अरे राम राम, नहीं पहचान रहे लगते गए। कोई आपके सिर को हिलाए, कोई कंधे को हिलाए, कोई पांव को, आदमी ना मरने वाला होए तो हिला हिला के दुनिया मार डालती है। इतनी धक्का मुक्की करेंगे मरते समय, कुछ तो ऊपर ही गिर जाते छाती पे और मर जाए आदमी, ना मरने वाला होए तो। बोलो हाँ कि ना। और ये बस तुम्हारे मरने का इंतजार, ये जबरदस्ती इसलिए गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर ताकि तुम जल्दी निपटो और ये फूक फाक के तुम्हें जाए घर, वहां अपना खाए पिए। हाँ या ना। ये दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हो कि मर रहे हो, ये सारे लोग 13 दिन बाद वापस आएंगे, भैया एक रसगुल्ला और लाओ, बढ़िया बनाया, ये तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। और आ रहे थे बड़े रो रो में मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी, चादर उढ़ाए, कोई शॉल उड़ाया, कोई माला, कुछ लोगों के तो लड्डू फूट रहे, ठीक मर गया। हाँ हाँ या ना। कुछ लोग तो कहते हैं जैसे सास मर जाए तो बहू बड़ी, कुछ बहुएं ठंडक आई जाती है, 3-5 करने वाली गई, दिन भर खौ 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 को करती रहती थी। हाँ? कुछ बहुएं ऐसी हैं। और सुनो, जब आप मरेंगे ना तो पड़ोसी बढ़िया काम करते हैं, पड़ोसी लोग बढ़िया काम करते हैं, चाय बना के ले आते हैं मस्त अदरक वाली, और पड़ोसी चाय बना के लाएंगे उसमें भर के, ठंडी ना हो जाए, और बार बार धक्का मारेगी, बहन थोड़ा पी ले, ठंडी हो रही है। वहां सास मरी पड़ी है, बहू को चाय की पड़ी है, लोग चाय पीते हैं साहब। बोलो हाँ। चाय पी पी के रोते हैं तुम्हारे लिए, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। ये सच्चाई है, आप मरे पड़े हैं और दुनिया चाय पीती है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। इसलिए कहता हूं हमारे साथ कोई ना जाता, हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। इसलिए आप ये मत कहो कि मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद बढ़िया चाय की पार्टी होगी, तुम तो मरो बिंदास, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे मरने के बाद लोग बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी दीपावली और होली होगी, तुम्हारे बाद भी त्योहार होंगे, क्या फर्क पड़ता है किससे। इसलिए अपना मरण सुधारो, और अपना मरण कब सुधरेगा, जब भगवान में मन लगेगा। कहां मन लगेगा, कहां मन लगेगा भैया, कहां मन लग गया? अभी केवल सुन लो, घर में डिस्कस करना, आधा अधूरा सुनोगे तो डिस्कस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम सुनाना ऐसा पसंद करते हैं कि सुनाने के बाद कुछ डिस्कस रह ही ना जाए। हाँ, पर आपस में रिवीजन करना चाहिए घर में जाके कि आज क्या सुना, इससे याद बनी रहती है, करना चाहिए। तो हम लोग इस अभिमान में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। इसलिए मरण सुधारना कैसे, मरते समय सब तरफ से मन हटे एक कृष्ण में, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण